यूट्यूब के चैनल में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो STT हो या फिर 94,000 शिक्षक बहाली हो, दोनों ही खबरों के लिए एक ही वीडियो के माध्यम से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों खबर की ओर हम देखेंगे। पहले देख सकते हैं यहाँ पे जो कट ऑफ है वो पेपर वन का जो है आलोक सर के द्वारा जो RTI से रिप्लाई मांगा गया था वो बता दिया गया है क्या कुछ कट ऑफ है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो काउंसलिंग को लेकर जो बात कही गई थी रजनीश कुमार के द्वारा, वो फिर से उनका यहाँ पे एक मैसेज आया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग में अभी और समय लगेगा। ये पहला था उनका शिक्षक बहाली अपडेट 48 घंटे में छठे चरण के तीसरे फेज की काउंसलिंग की तिथि की घोषणा कल शिक्षा विभाग में बहाली को लेकर महत्वपूर्ण बैठक इसी माह शुरू होगी काउंसलिंग, इन्होंने कहा था। तो अब देखिए जो सेकेंड ट्वीट आया है इसमें इनका क्या कुछ कहा गया। सेकेंड ट्वीट में देखिए इन्होंने कहा है, खेत के साथ सूचित कर रहा हूँ कि शिक्षक नियोजन के तीसरे फेज की काउंसलिंग में अब 7 दिन और विलंब हो सकता है। आज शाम तक ही आखिरी तारीख की घोषणा होने की पक्की खबर थी लेकिन अभी आधिकारिक सूत्रों ने देरी बताया है। तो देख सकते हैं रजनीश कुमार ने जो पहले मैसेज किया था काउंसलिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग को लेकर, उन्होंने कहा था कि 48 घंटे के अंतर्गत जो है इसका डेट जो शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा, लेकिन अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में और देरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जैसा कि संवाददाता रजनीश कुमार ने यहाँ पे ट्वीट करके जानकारी दी है, इन्होंने बता दिया है कि अभी और समय जो है वो लग सकता है। तो कितना समय लगेगा और दे सकते हैं 7 दिन और विलंब हो सकता है, यानी कि 7 दिन का और आगे आपका जा सकता है ये काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होने में। तो दे सकते हैं आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, थोड़ा सा और लंबा इंतज़ार आप करना पड़ सकता है। दोस्तों शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की TET और CET पास सभी शिक्षकों को मिले प्रधान शिक्षक बनने का मौका। वहीं देखिए TET और CET पास सभी शिक्षकों को मिले प्रधान शिक्षक बनने का मौका, ये बात भी कही जा रही है और साफ तौर पर सरकार से ये बात कही जा रही है कि जो STT क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं या CET क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं उन्हें परीक्षा में शामिल किया जाए। तो ये मांग जो है वो बढ़ चढ़ कर आगे आ रही है। जब से प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रधान शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए प्रधानाध्यापक बहाली के कुल 45,000 दे सकते हैं 892 पदों के लिए नए शर्तें लागू हुई है, उसके बाद से ही तमाम शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों का साफ कहना है कि भाई अनुभव के आधार पर नहीं बल्कि TT CET और STT के आधार पर जो है उनको नियुक्ति में शामिल किया जाए। तो प्रधान सचिव मामले में ले सकते हैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा जा चुका है। ले सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद के लिए होने वाली बहाली TET शिक्षक संघ की सरकार से सभी शिक्षकों ने मौका देने की मांग की है, जिसके लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को अपर मुख्य सचिव को लेटर भी लिखा गया है। तो अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री हो गए, तीनों लोगों को लेटर जो है वो लिखा गया है। बिहार सरकार ने जब से प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रधान शिक्षक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक बहाली में कुल 45,000 दे सकते हैं 892 पदों के लिए नई शर्तें लागू की है, उसके बाद से ही तमाम शिक्षक संघ ने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। तो बड़ी अपडेट है और ये मांग की जा रही है कि उन्हें मौका दिया जाए। और देखिए जैसे कहा जा रहा था कि एक बार काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, शिक्षक नियुक्ति को लेकर छठे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आ रही है कि 7 दिन का और समय लग सकता है इसमें। वहीं देखिए अभ्यर्थियों यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, संजय कुमार प्रधान सचिव को ट्वीट किया गया था शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा, उन्होंने भी यहाँ पर रिट्वीट में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट ही किया है शिक्षक अभ्यर्थियों को। क्या कुछ कहना था इनका, देखिए उन्होंने कहा है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, कल नेशनल देखिए बेरोजगार दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। और ऐसे में ही एक अभ्यर्थी ने जो है प्रधान सचिव को ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके क्या कुछ कहा है वो देख सकते हैं इसमें आप, सुन रहे हैं या बहरे होने का नाटक कर रहे हैं, देख सकते हैं संजय सर को ये ट्वीट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुंदन सिंह राजपूत ने कहा है कि सुन रहे हैं या बहरे होने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे में देखिए संजय सर का भी रिप्लाई आया है, वो कह रहे हैं कि आई एम सरप्राइज्ड बाय द कॉर्सेंस ऑफ लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय पीपल लाइक यू एंड मैनी मोर, दे सकते हैं हु प्रोबेबली आर टीचर्स, दे सकते हैं एस्पिरेंट्स, वी आर सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि भाई वैसे तो शिक्षक अभ्यर्थियों को इस प्रकार से लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमने डिसअपॉइंटमेंट किया है शिक्षक अभ्यर्थियों को तो उसके लिए उन्होंने सॉरी भी कहा है।
तो देख सकते हैं गाइस, कहीं ना कहीं संजय सर का एक ट्वीट आया है और ट्वीट में उन्होंने भी निराशा भरी खबर ही कही है। बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब से होगी या कब तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट के विद्यालयों में सेवा के लिए भेज दिया जाएगा। तो वाक्य जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस। आगे देखिए गाइस, एसटीटी के रिगार्डिंग पेपर वन में सभी विषयों का जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया गया है। आरोप श्रीवास्तव सर के द्वारा आरटीआई से लिखित जवाब मांगा गया था और लिखित जवाब में क्या कुछ रिप्लाई आया है उसमें दे सकते हैं गाइस आप। सब्जेक्ट कोड आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और हिंदी का देखिए यहाँ पे है। हिंदी में देखिए आप देख सकते हैं गाइस, अगर हम बात करें अनरिजर्व ओपन की तो 95 है, अनरिजर्व डीए की हम बात करें तो 68 है, अनरिजर्व एफएफ की हम बात करें गाइस तो 75 है, उसी वजह यूआर फीमेल की अगर हम बात करें तो 87 है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं यूआर फीमेल हो गई, यूआर मेल हो गई, ईडब्ल्यूएस ओपन है, ईडब्ल्यूएस डीए है, ईडब्ल्यूएस एफएफ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल है, ईडब्ल्यूएस मेल है। तो हर कैटेगरी का देखिए आरटीआई से बिल्कुल सटीक और सही जानकारी आती है। तो एक बार फिर से विभाग के द्वारा जो है वो जानकारी हमें मिल चुकी है और इस जानकारी से स्पष्ट हो चुका है कि पेपर वन के हर विषय का बता दिया गया है कि भाई किस विषय में जो है किस कोटी के लिए कितना कटअप जो है वो गया है। तो आप देख सकते हैं अगर आपने क्वालिफाइड नहीं किया है या मेरिट लिस्ट में आप नहीं हैं तो एक बार देख सकते हैं कितने नंबर लाने पर आपको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, देख सकते हैं भाई ये पूरा का पूरा देख लीजिए, दे सकते हैं। अब आगे देखिए भाई ये हिंदी सब्जेक्ट का है, हिंदी सब्जेक्ट में दे सकते हैं अनरिजर्व ओपन के लिए 95 गया, हिंदी में देखिए बहुत ही हाई कटअप गया है, आप देख सकते हैं सबसे कम जो है दोस्तों वो फिजिक्स में गया हुआ है और पेपर वन की बात करें तो साइंस में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। उर्दू में देख सकते हैं भाई आप, उर्दू में देख लीजिए पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे करके डाउन करके आप इसको वीडियो को ज़रूर पॉज करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, देख सकते हैं उर्दू का है ये, देखिए एसटीटी वर्किंग कमेटी के द्वारा ये कटअप की सटीक जानकारी मांगी गई है आरटीआई के थ्रू और सटीक जानकारी आई भी है, देख सकते हैं पूरा का पूरा। जो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ये है गाइज उर्दू का पूरा मैंने दिखा दिया। अब आता है जो संस्कृत का, संस्कृत में देखिए अनरिजर्व के लिए 110 है, अनरिजर्व डीए के लिए 70, अनरिजर्व एफएफ के लिए 83, अनरिजर्व फीमेल के लिए है 95, अनरिजर्व मेल के लिए देखिए यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं बताया गया है, 0 है यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए एक बार फिर से आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं गाइस पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको कटअप जो है दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मैथमेटिक का है, देख लीजिए अनरिजर्व ओपन के लिए कितना है, अनरिजर्व डीए के लिए कितना है, तमाम देख सकते जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। तो गाइज आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर विषय का मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और देखते जाइए कहाँ कितना गया हुआ है। ठीक है, ये इंग्लिश का है देख सकते हैं, ये साइंस का है दोस्तों आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये देखिए मैथमेटिक का, तो आपने पूरा का पूरा देख लिया दोस्तों। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।